दादाजी आपने हमसे कल कहा था आप हमको एक कविता पढ़ाएंगे। बेटा हमको याद है, इसीलिए हमने तुम्हारी किताब से तुमको पढ़ाने के लिए कविता चुनी। वो कविता है प्रकृति की सीख। इस कविता के रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी। आओ बच्चों बैठो, हम तुम लोगों को कविता पढ़ाएंगे। आज कविता है प्रकृति की सीख। सब लोगों ने पुस्तक खोल ली है ना, अब हम कविता पढ़ते हैं। हमारी पढ़ी हुई लाइनों को दोहराओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। अब बेटा तुम लोग इस कविता को एक एक करके जिससे कहेंगे वो पढ़ेगा। आयुष तुम इस कविता का पहला बंद पढ़ो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने। रंगोली तुम बेटा दूसरा बंद पढ़ो। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। बिल्कुल ठीक कहा। अब पुलकित तुम तीसरा बंद पढ़ो बेटा। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने। अब बेटा तरंग का क्या अर्थ है सोचो। आदित्य तुम बताओ तरंग किसे कहते हैं। लहरी। बिल्कुल ठीक कहा। तरल तरंग क्या क्या अर्थ है। अंकुर तुम बताओ। चंचल लहरें। चंचल लहर कहती है नहीं बेटा। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तो तरल तरंग का क्या अर्थ हुआ। चंचल लहर। चंचल लहर। उमंग का क्या अर्थ है तनु तुम बताओ बेटा। उमंग किसे कहते हैं। उत्साह। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। धैर्य का क्या अर्थ है अंकुर। धीरज। बिल्कुल ठीक तुमने कहा। कितना ही हो सिर पर भार। भार का क्या अर्थ है अंकित। सर पर बहुत भार होना जैसे कि दादाजी के सर पर। भार का क्या अर्थ है भार तुम बताओ बेटा। अदिति। बोझा। कितना ही हो सर पर भार। दादाजी के सर पर परिवार का बहुत भार है। क्या अर्थ लेंगे। दादाजी के सर पर बहुत परिवार का बहुत भार है। क्या अर्थ है भार है। परिवार का बहुत भार है दादाजी के सर पर। क्या अर्थ लेंगे। दादाजी के सर पर पूरे परिवार का बोझ है। तो बोझ का क्या अर्थ यहाँ लेंगे। जिम्मेदारियां। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब एक तरफ से इसके अर्थ पर विचार करो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत में कौन सा गुण है। ऊंचाई। तो ऊंचा होकर पर्वत हम लोगों को क्या शिक्षा देता है कि हम लोगों को भी पर्वत की तरह ऊंचा होना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे काम करें कि पर्वत की तरह हम भी
ऊंचे हो जाएं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर में कौन सा गुण है? गहराई। तो सागर कहता है हम लोगों को भी गंभीर होना चाहिए, हमारे मन में गहराई होनी चाहिए। अगली पंक्ति क्या है? समझ रहे हो? क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, चंचल लहरें, जानते हो वो क्या कहती? हम तो बड़े उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ बह रहे हैं। तुम लोगों को भी अपने जीवन में सारे काम उमंग से, उत्साह से, जोश से करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। तुम्हारे साथ कितनी भी जिम्मेदारियां जुड़ी हों, किंतु तुमको कभी धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अपने काम को धीरज से करना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। आकाश में फैलाव का गुण है। आकाश कहता है तुम भी अपने व्यक्तित्व को, अपनी जिंदगी को इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना फैलाव वाली बनाओ कि तुम्हारी छाया में बहुत लोग रह सके। अब बच्चों बताओ, प्रकृति के कितने रूप यहां शिक्षा दे रहे हैं? एक बार अपनी किताब की ओर देखो और फिर गिनकर बताओ प्रकृति के कितने रूप यहां शिक्षा देते हैं। हां आयुष, तुम बताओ बेटा। पांच। पहला कौन सा रूप है? पर्वत। पर्वत, बिल्कुल ठीक। पर्वत में कौन सा गुण है? अधिक ऊंचाई है। दूसरा प्रकृति का कौन रूप हमको शिक्षा देता है? रंगोली। सागर। समुद्र में कौन सा गुण है? गहराई है। और तीसरा शिक्षा देने वाला कौन है? लहरें हैं। लहर हमको क्या शिक्षा देती है? हमको सारे कार्य उमंग से करना चाहिए। चौथा रूप पृथ्वी प्रकृति का कौन सा है जो हमको शिक्षा देता है? अंकुर। पृथ्वी। पृथ्वी में कौन सा गुण है? रंगोली। धैर्य है। पृथ्वी में बहुत धीरज है, सब लोग उस पर चलते हैं, इमारतें खड़ी होती हैं, खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी किसी को मना नहीं करती। तो पृथ्वी हम लोगों को क्या शिक्षा देती है? धैर्य से काम करो। और पांचवा रूप कौन है प्रकृति का जो हमको शिक्षा देता है? नभ। नभ का क्या अर्थ है? आकाश। आकाश। आकाश हमको क्या शिक्षा देता है? ना फैलो कि सारे संसार को अपनी छाया में ले लो। ढक लो माने बहुत से व्यक्ति तुम्हारी छाया में। आप जरा ये देखना है, तुम लोग इस रूप की ओर देखो। प्रकृति के कितने रूप यहां अंकित हैं जो हमको शिक्षा दे रहे हैं? चार। और इनके आगे कुछ गुण दिए हैं जो इन प्रकृति के रूपों से जुड़े हुए हैं। पहले नंबर पर प्रकृति का कौन सा रूप है? तरंग है। और ये चार गुण दिए हैं तरंग, इन चारों में हमको कौन सी शिक्षा देती? रंगोली तुम बताओ। हृदय में उमंग भर लो। बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए जो पहले नंबर पर तरंग है वो यहां हृदय में उमंग भर। अब दूसरा प्रकृति का कौन सा रूप है आयुष? मन में गहराई लो। नहीं, रूप कौन सा है जो हमको शिक्षा देता है? सागर। और सागर क्या शिक्षा देता है? गहराई लो। कहां गहरा लाओ? मन। तो ये दूसरा रूप हो गया।
और तीसरा रूप कौन प्रकृति का है यहां पर? पर्वत। और पर्वत का क्या गुण है? ऊंचे बन जाओ। और चौथा रूप यहां कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी हमको क्या शिक्षा देती है? बच्चों, इस प्रकार प्रकृति के विविध रूप हमको शिक्षा देते हैं। अब तुम लोग अपनी अपनी कॉपी पर जो शब्दों के अर्थ बताए हो उनको अंकित